धर्माध्यक्ष देवयानी जी, हमारी विधानसभा की संयोजक, सभी पूरा महिला समूह प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहा है। शक्ति स्वरूपा मनसा देवी जी का चित्र देकर और चुनरी उड़ाकर हमारी बहनों ने प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रृंखला में मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी सांसद टिहरी लोकसभा की आदरणीय श्रीमती राजलक्ष्मी शाह जी से कि वो प्रधानमंत्री जी का स्वागत प्रतीक चिन्ह देकर भेंट करके करें। मैं आमंत्रित करती हूँ गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अनिल बलूनी जी से कि वो इगास का एक चित्र देकर, जो यहाँ का लोक पर्व है उत्तराखंड का, उसको देकर प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करूंगी हमारे प्रत्याशी हरिद्वार और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से कि वो माँ गंगा का प्रतीक चिन्ह देकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिवादन करें। विजय संकल्प रैली में मैं संबोधन के लिए सबसे पूर्व और संबोधन के लिए और प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारे प्रदेश के युवा कर्मठ और माननीय हमारे मुख्य सेवक, हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को, जो उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार बहुत तेज गति से यहाँ संभाल रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। विजय संकल्प रैली में, जिसमें पूरे उत्तराखंड और विशेषकर तीन लोकसभा क्षेत्र हमारे हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी गढ़वाल से आए हुए इस महाजन समुद्र में, हम सबके बीच में आज जिनको सुनने के लिए, जिनसे मिलने के लिए हम सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मंच पर आसीन विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विजय बहुगुणा जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के, पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के भाई अनिल बलूनी जी, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र की प्रत्याशी श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह जी एवं मंच पर आसीन सभी हमारे आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, आदरणीय विधायकगण, हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और कोने कोने से आए हुए हमारे सभी भाइयों एवं बहनों, मैं विश्व के मानचित्र पर भारत का मान बढ़ाने वाले जगतगुरु शंकराचार्य की भांति भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले बाबा केदार के अनन्य भक्त राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं योग निगरी ऋषिकेश आगमन पर आप सब की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज चैत्र नवरात्रि की तृतीय तिथि को मां चंद्रघंटा की स्तुति हम सब करते हैं। ऐसे पावन दिन देश को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मंत्र देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है, जो हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने पूरे प्रदेश के अंदर नारी शक्ति के बंधन के उत्सव आयोजित किए थे और
इसके माध्यम से हम हर एक मातृशक्ति के साथ पूरे प्रदेश के 13 जनपदों में सीधे संवाद करने का हमको शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण भारत माता को आगे बढ़ाने में लगाया है, गरीब कल्याण के लिए लगाया है, पूरे देशवासियों को अपना परिवार मानकर रात दिन थके बिना रुके बिना हारे बिना लगातार उन्होंने काम किया है, उसके कारण से आज भारत नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भाइयों बहनों, आज का नया भारत जहां आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, वहीं सामरिक रूप से भी दृष्टि से भी अधिक सशक्त और सुरक्षित हो रहा है। भाइयों बहनों, आप सबको पता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार 2014 में बनने के बाद देश के अंदर अनेक ऐसे फैसले लिए गए, धारा 370 समाप्त हुई, देश के अंदर CAA का कानून लाया गया और हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। भाइयों बहनों, ऐसे काम हुए जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हमारी राज्य सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। आज जहाँ केंद्र सरकार की सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसी योग नगरी और हरिद्वार को मिलाकर हम आने वाले समय में जो हमने यहाँ ऋषिकेश और हरिद्वार को मिलाकर गंगा कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया है, वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहाड़ पर रेल पहुंचने का सपना इसी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब बड़े बड़े G20 जैसे कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हुआ करते थे तो वो केवल कुछ ही स्थानों पर होते थे, बड़े बड़े शहरों में होकर समाप्त हो जाया करते थे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के अंदर छोटे छोटे स्थानों पर G20 के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका आतिथ्य और स्वागत और उनको भारत की संस्कृति और सामर्थ्य से परिचित करवाने का काम किया और हमें भी सौभाग्य मिला कि हमको एक नहीं तीन तीन बैठकें G20 की आयोजित करने का अवसर मिला। इसी ऋषिकेश और इसी नरेंद्र नगर और रामनगर में 3 बैठकें आयोजित हुई हैं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से विशेष लगाव है। भाइयों बहनों, आज जब चुनाव आ गया है तो बड़ा विचित्र है कि हम सबको गौरव प्राप्त हो गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हम विधानसभा के 2022 के चुनाव में गए थे तो हमने प्रदेश की जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे। भाइयों बहनों, वो संकल्प हमने पूरा किया है। दूसरी तरफ अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है, हम एक तरफ UCC की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करती है। भाइयों बहनों, जिन पार्टियों ने अपने शासनकाल में देश को लूटने का काम किया है, आज जब उनसे जवाब मांगा जा रहा है तो तमाम तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अनाप शनाप कहने का काम उनके द्वारा हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज कुछ विपक्षी पार्टियां बौखलाकर जो उनके स्लीपर सेल हैं वो स्लीपर सेलों को आगे कर रही हैं। हमको आज न उनके जातिवाद के चक्कर में आना है, न वर्गवाद के चक्कर में आना है। आज राष्ट्रीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आज विकास की गति को आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया का सशक्त भारत बन रहा है, लेकिन देश आज आगे बढ़ चुका है, देश अब जाग चुका है, देश बदल चुका है। आज नया भारत अपने उज्जवल भविष्य के लिए सजग और संवेदनशील है। भाइयों बहनों, एक कमाल की बात तो यह है कि जिन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लगाने का काम किया, केवल अपने परिवार की स्तुति करने वाले लोग, समाज को जातियों में बांटने वाले लोग, हर दिन एक नया घोटाला करने वाले लोग आज परेशान है। भाइयों बहनों, आज सबकी परेशानी है मोदी जी, क्योंकि मोदी जी का मंत्र है न मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। इसलिए भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि 2014 से 2019 का जो समय था देश की आवश्यकताओं को पूरा करने का समय था, 2019 से 2024 का समय देश की आकांक्षाओं की पूर्ति का समय था और वही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2024 से 2029 का समय भारत को विश्व गुरु के मार्ग को प्रशस्त करने का समय है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर यह विश्वास पूर्वक कह सकता हूं मैं
कि देवभूमि की समस्त देवतुल्य जनता लोकसभा के चुनाव में पांचों सीटें भारी बहुमत से विजय बनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपने में अपना योगदान सुनिश्चित करेगी। अंत में मैं आप सबकी तरफ से एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी उपस्थित जन समुदाय का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए धन्यवाद करते हुए उनको नमन करते हुए अपनी इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। लक्ष्य अटल है, संकल्प प्रबल है, विकसित बनता देश सकल है, जन जन का विश्वास सबल है, वोट कमल है, वोट कमल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की। बोलो भारत माता की। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी ने अपना वक्तव्य हम सबके सामने रखा। अब मैं हमारे मंच पर संबोधन करने के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित हैं जो किसी के बेटे हैं तो किसी के भाई हैं, किसी के जीवन रक्षक हैं तो किसी के लिए अन्नदाता हैं, किसी माँ के बुढ़ापे का सहारा है तो किसी बहन को पक्की छत देने वाले हैं, जो सपने दिखाना जानते हैं और उन्हें पूरा करना भी जानते हैं, जिसकी गारंटी पर 140 करोड़ की संख्या भारतीयों को है भरोसा, जो अपने समर्पण, त्याग और राष्ट्रप्रथम के सिद्धांतों के प्रतीक हैं, ऐसे उत्तराखंड वासियों की तरफ से जो उत्तराखंड वासियों के हृदय में बसते हैं, तड़कण में बसते हैं, ऐसे हमारे सबके आदरणीय प्रेरणा के स्रोत प्रधानमंत्री जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपना संबोधन हम सबके सामने रखें। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। सभी दाना सयाणु दीदी, भोली चाचा, बड़ियों तय मेरू प्रणाम। माँ गंगा के सानिध्य में बसे चार धाम के द्वार ऋषिकेश में इतनी विशाल संख्या और इतने बड़े उत्साह उमंग के साथ आप हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं उत्तराखंड आता हूं तो आपसे आशीर्वाद मांगने के साथ ही आप सभी परिवारजनों के साथ पुरानी यादें भी ताजा कर लेता हूं। कल मैं भारत के दक्षिणी छोर पर सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था और वहां भी लोग कह रहे हैं फिर एक बार। आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं तो यहां भी वही गूंज है फिर एक बार। हमारे यहां उत्तराखंड में ये तो देवभूमि है,
देवताओं का आवाहन करने की परंपरा है और हुड़का का नाद देवताओं का आवाहन करने में ऊर्जा देता है। आज मुझे भी जनता जनार्दन जो देवता रूपी है उनका आह्वान करने के लिए हुड़का का नाद बजाने का सौभाग्य मिला। साथियों, एक गुंज इसलिए है क्योंकि देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार का काम देखा है। आज देश में ऐसी सरकार है जिसने बीते 10 वर्ष में भारत को पहले के मुकाबले कई गुना मजबूत कर दिया है। मेरी बात से आप सहमत है? सहमत है? पूरी तरह सहमत है? जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 7 दशक बाद जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने का साहस किया। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया। ये भाजपा की मजबूत सरकार है जिसने महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिया। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण दिया। साथियों, कांग्रेस की सरकार होती तो वन रैंक वन पेंशन कभी भी लागू नहीं होता। मोदी ने ये गारंटी दी थी और इसे पूरा करके दिखाया। ये कांग्रेस थी जो कहती थी कि वन रैंक वन पेंशन लागू करके हम पूर्व सैनिकों को 500 करोड़ रुपए देंगे। ये मोदी है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू करके पूर्व सैनिकों को
एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उनके बैंक खाते में पहुंचा दिए हैं। यहां उत्तराखंड में भी वन रैंक वन पेंशन के 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा सैनिक परिवारों को मिले हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के समय में तो जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक की कमी थी, दुश्मन की गोली से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं था। ये भाजपा है जिसने भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट अपने सैनिकों को दी, उनके जीवन की रक्षा की। आज आधुनिक राइफल से लेकर लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत तक देश में ही बन रहे हैं। मेरी इधर से कुछ लोगों से प्रार्थना है, उधर कुछ लोगों से प्रार्थना है। देखिए, अब आप आगे आ नहीं सकते, हो सकता है आप में से बहुत लोग होंगे जो मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए मुझे क्षमा करें, अब आप सुन करके संतोष कर लीजिएगा। और जो ज्यादा उत्साह और उमंग में है उनसे मेरी प्रार्थना है, अभी ये जो ऊर्जा है ना, 19 तारीख साथियों, ये जो ऊर्जा है ना, वो 19 तारीख तक हमें काम में लगाए रखनी है। सारी ऊर्जा आज मत खर्च कर दीजिए। आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह मेरे सर आंखों पर है। अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलना शुरू करूं। देखिए, उत्तराखंड वालों के लिए मैं आपका खुद का घर का हूं जी। मैं यहां बैठे बैठे सब पुराने पुराने चेहरे देख रहा था, दूर से मुंडी हिलाकर के उनको नमस्ते कर रहा था। आप लोगों से मेरा इतना निकट नाता रहा है दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं कभी भी उत्तराखंड के प्यार को जीवन में भूल नहीं सकता हूं जी। आप अगर मुझे अनुमति दे तो मैं बोलना शुरू करूं, लेकिन फिर आप एकदम से जोश में आ जाते हैं। तो आपकी इजाजत है? इजाजत है मैं बोलना शुरू करूं? कितने अच्छे लोग हैं आप।
देखिए साथियों, कांग्रेस की कमजोर सरकार सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाई। आज देखिए पूरी सीमा पर आधुनिक सड़कें बन रही हैं, आधुनिक सुरंगें बन रही हैं। साथियों, कुछ साल पहले बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अचानक ही निकला था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। मुझे क्षमा कीजिए, आप शांत रहेंगे क्या? आप कहें तो मैं बोलना शुरू करूं भाई। आपका प्यार, आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर, मैंने कहा ना, मैं आपके प्यार को कभी भूल नहीं सकता हूं। लेकिन मैं बोल ही ना पाऊं, इतना उत्साह करोगे तो इतने लोग हैं वो सुन नहीं पाएंगे। मुझे चिंता सबकी है, आपकी भी है। धन्यवाद भैया। हमारी सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य का लगातार विस्तार करने में जुटी है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका पर्यटन की है, यात्रा की है, यात्रा धामों की है। ऋषिकेश तो आसपास के कई राज्यों के लिए, वहां के लोगों के लिए पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। और एक जमाना था जब योग की पूरी दुनिया में धूम नहीं थी, तब भी दुनिया के कई देश के लोग जिज्ञासु के नाते योग के लिए ये हमारे ऋषिकेश आया करते थे। मुझे याद है, बहुत पुरानी घटना है, मैं एक बार यूएसए गया था। अब मुझे वो इतना इंटीरियर इलाके में मैं गया था कि मुझे कोई वेजिटेरियन खाना में तलाश रहा था। अब मुझे कहीं अता पता ही नहीं मिल रहा था इतने में एक छोटी सी दुकान में एक अमेरिकन नागरिक छोटी दुकान लेके बैठा हुआ था, लेकिन उसके गले में 3-4 रुद्राक्ष की मालाएं थी। तो मैं उसके पास चला गया तो उसने भी नमस्ते करके मुझे मेरा स्वागत किया। फिर मैंने उसको मेरी कठिनाई बताई तो उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं वेजिटेरियन हूं, मैं आपके लिए कोई प्रबंध करता हूं। और उसने मुझे अपने तरीके से कुछ वेजिटेरियन बना के खिलाया। और उस समय मेरी उससे बातें हुई कि आपने सब कहां से सीखा है ये माला वाला? तो बोले, मैं बहुत सालों से ऋषिकेश जाता आता रहता हूं, बस उसी के कारण मेरी जिंदगी में ये बदलाव आया है। ये ताकत है इस भूमि की, ये सामर्थ्य है इस भूमि का। भाइयों बहनों, पर्यटन के क्षेत्र में कोई ऐसा एडवेंचर टूरिज्म हो तो हमारा उत्तराखंड है। राफ्टिंग करना हो युवाओं को यहां है, कैंपिंग करना हो, दिलचस्पी अगर उसमें है तो यहां पर है, या फिर आध्यात्म और योग में रुचि रखने वाले व्यक्ति हो, ऋषिकेश आकर हर कोई आनंद से भर जाता है। भाजपा सरकार उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर तैयार कर रही है।
इसके लिए हमारा फोकस इस बात पर है कि देश के किसी भी हिस्से से पर्यटकों के लिए उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचना आसान होना चाहिए। इसलिए हम देवभूमि में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज की लगातार सुविधा बढ़ाते जा रहे हैं। यहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली से देहरादून की दूरी भी सिमट रही है। उत्तराखंड के जिन सीमावर्ती गांवों को कांग्रेस अंतिम गांव कहती थी, भाजपा उन्हें देश का पहला गांव मानकर विकास कर रही है। आपने देखा होगा मानस खंड के तीर्थ स्थानों जैसे आदि कैलाश, ओम पर्वत दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो गई है। यमुनोत्री, केदारनाथ और हेमकुंड साहब में रोपवे बनने से बहुत सुविधा हो जाएगी। सड़क के रास्ते जो दूरी तय करने में कई कई घंटे लगते थे, उसे कुछ ही समय में पूरा कर लिया जाएगा। चार धाम परियोजना के तहत केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को लगभग 900 किलोमीटर लंबे हाईवे से जोड़ा जा रहा है। इन सब प्रयासों से श्रद्धालुओं को उत्तराखंड पहुंचने में काफी आसानी हो जाएगी। ये इसलिए हो रहा क्योंकि भाजपा की नीयत सही है, और जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही मिलते हैं। साथियों, 2027 तक केदारनाथ में एक साल के भीतर करीब 5 लाख श्रद्धालुओं को पहुंचने का रिकॉर्ड था। पिछले वर्ष करीब 20 लाख यात्री केदारनाथ के दर्शन के लिए आए। अगर पूरी चार धाम यात्रा की बात करें तो पिछले वर्ष 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड की यात्रा की। पिछले वर्ष ही मैंने मानस खंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा की थी। लोगों को हिमालय में स्थित ऐसी अलौकिक जगह को देखने का अवसर मिला, तब वहां भी सैकड़ों यात्री पहुंचने लगे हैं। पर्यटन का ये विस्तार सिर्फ एक सेक्टर का विस्तार नहीं है। पर्यटन बढ़ने का मतलब है रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर। साथियों, उत्तराखंड में हो रहे इस विकास ने अब पलायन की खबरों को बीते दिन की बात बता दिया है। अब उत्तराखंड के स्टार्टअप की खबरें आती हैं। उत्तराखंड के नौजवानों ने 1000 से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर किए हैं। इसमें भी लगभग आधे यानी करीब
500 स्टार्टअप्स उत्तराखंड में हमारी बेटियां उसका नेतृत्व कर रही है। गर्व होता है इन बातों से। मुद्रा योजना से लाखों नौजवानों को बिना गारंटी के ऋण मिले हैं। ये पैसा टूरिज्म से जुड़े हुए काम जैसे होम स्टे, गेस्ट हाउस, दुकान, ढाबा बहुत बड़ी मात्रा में इसे बनाने में ये धन काम आ रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो गरीब का, नौजवान का पैसा बिचौलिए खा जाते थे। भाजपा सरकार लोगों के हक का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर रहा है। उत्तराखंड के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का 2600 करोड़ रुपए से अधिक उनके खाते में जमा हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकार होती ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा सातवें आसमान पर है और इसलिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं। और जब मैं कहता हूं, जब मोदी कह रहा है भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए साथियों, भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए विनाशक है कि नहीं है? आपके लिए विनाशक है कि नहीं है? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मेरे जैसे व्यक्ति ने ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इसलिए कितनी ही मुसीबतें झेलनी पड़ी, आपके आशीर्वाद बने रहेंगे ना? आपके आशीर्वाद बने रहेंगे ना? ये आपके आशीर्वाद है कि मैं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं? साथियों, कांग्रेस के नेताओं के लिए तो पहले दिल्ली का शाही परिवार और फिर खुद का परिवार, यही सब कुछ कांग्रेस की परंपरा में है। लेकिन मोदी के लिए तो आप सभी मेरा भारत ही मेरा परिवार है। भाइयों बहनों, मेरी जिंदगी के महत्वपूर्ण कालखंड मैंने देवभूमि में बिताया है। मैंने खुद देखा है, गढ़वाल हो या कुमाऊं, माताओं बहनों का पूरा समय लकड़ी, पानी और पशुओं के चारे के इंतजाम में ही खप जाता था। अपनी बहनों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हमने घर घर सस्ता सिलेंडर पहुंचाया। जल जीवन मिशन के तहत भी उत्तराखंड में बहुत काम हुआ है। 2019 तक उत्तराखंड में 10 में से 9 परिवार के पास ही, 100 में से 9 परिवार के पास ही
ये पानी की स्थिति थी, यानी एक प्रकार से 10 में से एक के पास सुविधा थी। आज स्थिति बदल गई है, आज उत्तराखंड में 10 में से 9 परिवारों के घर में नल से जल आता है। आपको जब राशन के लिए, दवा के लिए भी चिंता की जरूरत नहीं रही, आने वाले 5 साल तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा, अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलता रहेगा, यहां उत्तराखंड को एम्स की सुविधा मिली है, गांव गांव अच्छे अस्पताल, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन रहे हैं, धामी जी और उनकी सरकार इन सारी बातों के लिए बहुत मेहनत करके शानदार काम कर रही है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस विकास और विरासत दोनों की विरोधी है। उत्तराखंड का कोई निवासी ये नहीं भूल सकता कि कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। ये कांग्रेस ही है जिसने पहले राम मंदिर का विरोध किया, जितने अड़ंगे डाल सकते थे डाले, अदालत में भी रुकावटें करने की कोशिश की, लेकिन राम मंदिर बनाने वालों ने कांग्रेस के सारे गुनाह माफ करके उनके घर जाकर के उनको निमंत्रण दिया। लेकिन इनका दिमाग कैसा है पता नहीं, घर जाकर के निमंत्रण दिया गया था, प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया। और अब तो कांग्रेस ने प्रण लिया है, सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसका विनाश करेंगे। ये कांग्रेस शक्ति स्वरूपा, मां धारी देवी, मां चंद्रबदनी, मां ज्वालपा देवी की शक्ति को खत्म करना चाहती है, उत्तराखंड की आस्था को तबाह करने की जो साजिश से चल रही है उसमें कांग्रेस की ये बातें आग में घी का काम करेगी। उत्तराखंड की संस्कृति की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। आपको भूलना नहीं है, ये वही कांग्रेस है जो कहती रही है कि हर की पौड़ी में, वो मां गंगा के किनारे पर हर की पौड़ी नहीं है, ये क्या कहते हैं, एक नहर के किनारे बसी है। अब ये गंगा जी के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, इन्हें उत्तराखंड के लोग सबक सिखा करके रहेंगे। साथियों, ये हमारा उत्तराखंड की पहचान ब्रह्म कमल से जुड़ी हुई है, ये धरती ब्रह्म कमल की धरती है, और इसलिए इस बार भी यहां पूरी शान से पंच कमल खिलने चाहिए। खिलेंगे, पांचों कमल खिलेंगे। और भाइयों बहनों, ये पांचों कमल इसलिए खिलाने हैं क्योंकि हम विकसित भारत का संकल्प लेके चले हैं, और विकसित भारत के संकल्प के लिए विकसित उत्तराखंड, ये
ये हमारी प्राथमिकता है। और भाइयों बहनों, इस काम के लिए मेरा पल पल आपके नाम है, मेरा पल पल देश के नाम है। और मेरी गारंटी है 24/7 फॉर 2047, ये मोदी का आपको गारंटी है। 19 अप्रैल को टिहरी गढ़वाल से बहन माला राज लक्ष्मी शाह, गढ़वाल से भाई अनिल बलूनी और हरिद्वार से भाई त्रिवेंद्र जी को हमें विजयी बनाना है। लेकिन मेरी अपेक्षा ज्यादा है। इस चुनाव में मेरी यही चुनौती है आपको, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं, हर पोलिंग बूथ को जीतना है। जीतोगे, अपना पोलिंग बूथ जीतोगे। अच्छा, चुनाव का काम तो करोगे ही करोगे, मेरा काम करोगे? जरा बताइए ना, करोगे? मेरा काम है पर्सनल, चुनाव वाला काम नहीं है, करोगे? ये मोदी का काम है, करोगे? देखिए, हमारे यहां देवताओं का महिमा होता है और ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है, रामनवमी भी आने वाली है। मेरा एक काम करोगे, गांव गांव जाकर के सभी देवताओं के सामने मेरी तरफ से माथा नमा करके प्रणाम करना है, करोगे? दूसरा काम, घर घर जाना है और हर घर जाकर के सभी बड़े बुजुर्गों को कहना है कि मोदी जी ऋषिकेश आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, राम राम कहा है। ये मेरा राम राम पहुंचाओगे, मेरा प्रणाम पहुंचाओगे? जब घर घर जाकर के माता बहनों बुजुर्गों को मेरा प्रणाम कहोगे तो वो मुझे आशीर्वाद देंगे और वो आशीर्वाद मेरे लिए ऊर्जा है, मां भारती की सेवा करने की ऊर्जा है, वो आशीर्वाद आपके लिए जीने की, आपके लिए जूझने की, आपके लिए जीवन खपाने की बहुत बड़ी प्रेरणा है। और इसलिए घर घर जाकर जरूर बताइए मोदी ऋषिकेश आए थे और आपको राम राम कहा है। कहोगे? कहोगे? अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू करके इस बात को आप जरा अनुमोदन दीजिए। हर एक के मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू कीजिए, हर किसी के मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू कीजिए, हर किसी के मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू कीजिए। आप सब घर घर जाएंगे, मेरा राम राम पहुंचाएंगे। 19 तारीख को गर्मी कितनी क्यों ना मतदान कराएंगे, हर बूथ को जीतेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी उत्तराखंड वासी, सभी प्रधानमंत्री जी की वक्तव्य